मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं तो उसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो जो हमें ये जो ब्लाउज है ये हमें बिना बाजू का बनाना है। तो ये हमारी लाइनिंग है और ये हमारी इसके ऊपर का कपड़ा है। तो ये हमारा 80 सेंटीमीटर है और ये जो साड़ी में से ब्लाउज का पीस होता है ये वो है। तो इसमें से हम आपको बिना बाजू का ब्लाउज कैसे बनाते हैं उसके विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपनी जो ब्लाउज है इसकी हमें फिटिंग लेनी है। तो इसी नाप से हमें ब्लाउज बनाना है। तो जो ये इसके हुक वगैरह है ये हम बंद कर देंगे आगे के, और उसके बाद हमें अपनी जो हमारी फिटिंग है उसका नाप लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ देखनी है। तो इसकी लंबाई है 14 इंच की और ये हमें 13.5 इंच का रखना है। तो इसको हम 13.5 इंच का बनाएंगे और उसके बाद हमें जो ये हमारी चेस्ट है उसका नाप लेना है और इसको हमें पूरा इस तरह से खींच कर तब इसका हमें नाप लेना है। तो ये 18.5 इंच है, 18.5। ये हमारी चेस्ट है और उसके बाद हम यहाँ पर ये कमर का निशान, ये कमर है और इस यहाँ पर हम कमर की फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कमर बैठी 15 इंच की। तो ये हमें पूरा खींच कर करना है। ये हमारी 15 इंच की हुई और उसके बाद हम गला देखेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा रखते हुए हम अपने गले का नाप लेंगे। तो गला है 5.5 इंच का और आगे है हमारा गला ये 6 इंच का। तो गले की चौड़ाई 5.5 है और आगे जो गहराई है वो 6 इंच है। और जो ये पीछे का गला है इससे हमें थोड़ा बड़ा रखना है। तो इस तरह से हमें अपना बिल्कुल दोनों सिरों के बीच में अपनी चीटें को रखते हुए ये देखना है। तो इसका 7 इंच गला तैयार बैठा है लेकिन हमें ये 8 इंच का रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपने ब्लाउज का नाप लेना है। तो अब हम अपने ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं बिना बाजू का जो ब्लाउज होता है उसके विषय में मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है और ये हमने इस तरह डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और ये हमारी तरफ किनारे की साइड है, ये खुली साइड है और जो इस साइड है ये हमारी बंद साइड है। तो इस तरीके से लंबाई में हम इस तरह से रख के अपने ब्लाउज को, इस तरह कपड़ा भी कम लगता है तो इसके हम निशान लगाते हैं। तो हमें 13.5 इंच का की हमें लंबाई रखनी है। तो ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हमें ये 15.5 लेना है लेकिन प्लेटों की वजह से 0.5 इंच हमें और एक्स्ट्रा रखना पड़ता है आगे का पीस। तो ये हमें 16 इंच का रखना होगा। और जो इसका तीरा है, क्योंकि इसमें हमें बाजू नहीं लगानी तो इसका तीरा भी हम ज़्यादा बड़ा रखते हैं। और जो नॉर्मली ब्लाउज होता है उसका हम तीरा कम रखते हैं लेकिन इसमें हमें इसका जो तीरा है वो 7.5 इंच का रखना है क्योंकि इसमें हमें बाजू नहीं लगानी। तो ये हमें तीरा रखा हुआ है और ये इसकी आर्म की कटिंग का निशान है और ये हमें 7 इंच का रखना है। और उसके बाद हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग है हमारी 18.5 इंच की। तो ये उसका हाफ लेंगे हम, तो ये 9.25 देंगे हम, ये 9.25 पर हम अपनी फिटिंग का निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम जो हमारी लंबाई 13.5 इंच है तो उसमें हम आधा और जोड़ के, क्योंकि ऊपर तीरे में भी जाएगा 0.5 इंच का, तो ये हमारा आधा तीरे में जाकर ये हमारे साथ 13.5 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर हम कमर की फिटिंग का निशान देंगे। तो कमर की फिटिंग है हमारी 15 इंच की, तो उसका हाफ हुआ 7.5 और 7.5 में हम 0.25 इंच और जोड़ देंगे क्योंकि वो हमारा प्लेट में कपड़ा जाएगा। तो ये होएगा हमारा 7.5, ये 8.25 हमें लेना है यहाँ पर, क्योंकि प्लेट में जाने के बाद हमारा ये पूरा 7.5 बैठेगा। और इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। और ये जो हमारा आगे हमने ये 2 इंच का हमने मार्जिन का निशान रखा हुआ है, कभी कई बार खोलना या टाइट कुछ करना पड़ जाए तो उसके लिए हम ये मार्जिन का रखते हैं। और यहाँ हमें जो गला है आगे का वो 2.25 इंच का रखना है। चौड़ाई हमें गले की 2.25 इंच की रखनी है और जो गहराई आगे के गले की वो 6 इंच की रखनी है। तो हम इसको 6.5 लेंगे क्योंकि 0.5 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारा गले का निशान है। तो यहाँ भी हम देखेंगे ये हमें 2.25 रखना है, तो ये थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा था तो इसको हम पूरा 2.25 करके ऊपर के साथ मिला देंगे। और यहाँ हमें इस तरह से गोलाई देनी है
आगे के गले के लिए। आप चाहें तो आधा इंच का निशान इस तरह तिरछा लगा के भी इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। तो ये हमारा हुआ। और इधर से जो हम प्लेट का निशान देंगे वो 3.5 इंच पर देंगे, और ऊपर से जो हमारी दूरी होगी प्लेट की वो 10 इंच पर होगी। तो ये इस तरह से हम 10 इंच पर निशान लगा देंगे। और इस साइड से ये खुली साइड है हमारी तरफ, तो इधर से हम 3.5 इंच पर निशान लगा कर और ये सीधी हम लाइन खींच देंगे अपनी प्लेट के लिए। जी ये हमारी सामने की प्लेट होगी इस तरह से। और उसके बाद जो हमारी ये आर्म होगी हम पहले गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये हमारी पीछे की होगी और ये हमारी आगे की कटिंग की नहीं होगी। और फिर इससे यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर अपनी प्लेट देंगे, और ये प्लेट होगी हमारी 3 इंच की इस तरह से। और जो हमारी ये गले के नीचे प्लेट होती है वो हम अपनी इस प्लेट से, ये जो हमारी प्लेट है इससे हम ये हमारे जो पॉइंट है 1.5 इंच का, इससे हम इसके कोने पर अपनी इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इसके कोने पर निशान लगाएंगे, और 3 इंच की ये प्लेट हम डाल देंगे इस तरह से। ये हमारी 3 इंच की प्लेट पूरी होगी। और उसके बाद इन दोनों के बीच की जो ये हमारी कमर की प्लेट होती है इन दोनों के बीच की दूरी देखकर हम उस प्लेट को डालेंगे। तो ये हमारी तो फ्रेंड्स जो हमारी कमर की प्लेट है ये हमें इन दोनों के बीच की दूरी पर लगानी होगी। देखेंगे हम कि इसकी जो बीच की दूरी है वो कहाँ पर बैठती है। तो ये हमारी ये दोनों तरफ से हमारी 2-2 इंच पर यहाँ पर बैठ रही है। तो इसको हम इस तरह से जहाँ पर भी हमारी इस तरह से शेप जाती है और इस तरह से हम इसकी लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और ये हमारी कमर की प्लेट होगी और ये हमेशा इसी तरह से गोलाई शेप में आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी आगे के पीस की प्लेटें भी डल चुकी हैं और निशान भी लग चुके हैं। तो ये हमारा आगे का पीस है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें छोटा सा कट लगाना है गले के लिए इस तरह से, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स हमेशा जो हमारे आगे के पीस होते हैं ये खुले होते हैं, तो इसलिए हमने इनको खुली साइड रखा था। जो हमारे पीछे के पीस होते हैं वो बन साइड होते हैं, तो इनको हम पीछे की तरफ इस तरह रखेंगे क्योंकि ये हमारी बन साइड है। और इस तरह से पहले हमने इस तरह रख के कटिंग की थी इस तरीके से, ये हमारी खुली साइड थी, और अब हम इसको इस तरीके से रख के कटिंग करेंगे। इससे हमारे कपड़ा भी काफ़ी बच जाता है। यदि कम कपड़ा हो तो उसमें हमारी कटिंग पूरी हो जाती है। और इस तरह से हम अपने कपड़े को इसके ऊपर जो हमने कटिंग की है उसको रख देंगे, और इस पीस को इसके ऊपर रख के हम पीछे के पीस की कटिंग कर देंगे। और जो पीछे का पीस है वो थोड़ा हमें 1/2 इंच कम रखना है इससे, क्योंकि आगे के पीस में हमारी प्लेटें ज़्यादा होती हैं तो वो कपड़ा उसमें प्लेटों में चला जाता है। आगे के पीस में भी हम यहाँ पर कट लगा देंगे, और इसी तरह से हमें पूरी कटाई करनी है इसकी। और ये पीछे का पीस हम थोड़ा कम काटेंगे आगे के पीस से। इसको हम इस तरह फोल्ड करके निशान लगा देंगे। तो इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे आगे पीछे के पीस तैयार हुए, और इस तरह से अब हम पीछे का जो गला है वो उसका निशान लगाते हैं। तो जो हमारी गले की चौड़ाई है वो 5 है, और पीछे का जो गला है हमें 8 इंच का रखना है। तो ये हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और 8 इंच है तो 8.5 पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। पूरी सीधी लाइन खींच देंगे हम,
और इधर भी हम देख लेंगे हमारी सवा दो चौड़ाई है या नहीं, तो ये हमारी पूरी बेड़ है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से गोलाई दे देंगे गले की, पीछे के गले की। और इसमें भी हमें पीछे जो प्लेट देनी है वो उसी तरीके से देनी है, तो इधर हम 3.5 इंच पर नाप लेंगे। पीछे सिर्फ दो ही प्लेटें होती हैं जो कि सामने की होती हैं, और ऊपर से हमें ये 10 इंच पर रखनी है। और जैसे हमने आगे की प्लेट दी थी सेम उसी तरीके से हमें ये पीछे की प्लेट भी देनी है, सिर्फ ये सामने की प्लेट होती है पीछे के पीस में, और इसको भी हम इसी तरीके से कर देंगे। और ये दोनों तरफ हमें प्लेट अपनी लगानी है, इस तरीके से दिख जाएगी। और इसी तरीके से जो हमारे आगे के पीस हैं उनमें भी हमें इसी तरह से इनको अपनी प्लेटों को थोड़ा डार्क कर लेंगे, और ये दूसरी साइड भी हमारी चली जाएंगी इस तरह से करते हुए। और ये हमारी फिटिंग का निशान है, ये भी हमारे दूसरी तरफ सब जाएगा। और जो ये हमारी आगे की कटिंग है इसको हम काट लेते हैं। ये जो फ्रंट और बैक की फ्रंट्स कटिंग होती है ये हमारी, इसमें जो बिना बाजू का होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो बाजू वाला ब्लाउज होता है उसमें कम होती है। तो इसमें हमने 1/2 इंच हमारा जो आगे की कटिंग का है वो हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो ये 15 इंच बैठेगा, और जो पीछे का है वो 16 बैठेगा। और क्योंकि ये 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमने 8.5 लिया हुआ है पीछे का, तो ये 8 तैयार हो जाएगा। और ये पीछे आगे का जो पीस है वो हमने 8 रखा हुआ है, तो ये हमारा 7.5 पे बैठ के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। और ये अब हम आगे की जो फ्रंट की कटिंग है वो कटिंग कर लेते हैं। इस कटिंग को करने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से हम जो आगे के पीस की कटिंग है उसको काट देते हैं। और जो ये निशान है हमारे अभी दूसरी साइड भी छप चुके हैं, ये देखिए। और नहीं तो आप इस तरह उठाकर आप अपने ब्लाउज के पीस को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, और इस तरह से आप छप सकते हैं। इसको प्रेस कर दिए हाथ से, और ये दोनों तरफ आपके निशान छप जाएंगे। ये देखिए, इनको हम बाद में इनको डार्क कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड्स, अब ये पीस हमारे जो हम जिस कपड़े के ऊपर हमने ब्लाउज का जो हमारा कपड़ा उसके ऊपर रख के हम इनको कटिंग कर देंगे। ये हमारा ब्लाउज का जो पीस है ये साड़ी में से निकला हुआ है, तो ये हमने ले लिया है। और इसको हमने इसी तरह से जैसे हमने लाइनिंग को रखा था डबल करके, उसी तरह से हमने रखा हुआ है। ये हम किनारे की साइड है खुली, और ये लंबाई में रखा हुआ है कपड़ा। और इसके ऊपर ही हम जो ये हमने आगे के पीस कटिंग किए थे उनको हम उसी तरीके से रखेंगे जैसे हमने लाइनिंग को काटते टाइम पर रखे थे। तो इस तरह से हमने इनको रखे थे, और इसको भी हमें इसी तरह से इसके ऊपर रखना है। ये हमारी खुली साइड है, क्योंकि आगे के पीस ब्लाउज के खुले होते हैं, तो हमें पूरा इसके ऊपर रख के इसको कटिंग करना है। निशान वगैरह हम सब अपने लगा चुके हैं, तो सिर्फ हमें इसके ऊपर रख के इसको कटिंग करना है। तो इस तरह से हमारा ये बिना बाजू का लाइनिंग वाला ब्लाउज की कटिंग करनी है। और इसके बाद उसी तरह से जैसे हमने लाइनिंग में काटा था, ये बन साइड है और पीछे का जो पीस है बन साइड से कटता है, तो इसी तरह से हमें इसको भी अपने कपड़े को रखना है। एक सर एक जो हमने आगे का पीस था वो इस तरफ रखा था ऊपर की साइड ये थी, और ये हमने पीछे का पीस इस तरह से रखना है। तो इस तरह हमारे कपड़ा काफ़ी बच जाता है, और बिल्कुल इसको यहाँ पर हमें जहाँ तक आता है वहाँ तक इसको रखना है, सेट करना है, और बिल्कुल पीछे के निशान के साथ हमें इसको मिलाकर कटिंग कर देनी है। ये हमारे जो आगे के पीस हैं और इनमें हमें जो पट्टी वगैरह लगानी होती है वो हम सबसे पहले जो हमारा ऊपर का गला होता है उसकी कटिंग कर देते हैं। और कटिंग करने के बाद जो हमारे यहाँ पर जो आगे का पीस है
उसको हमें इस तरह से अपनी ये बढ़वा पट्टी जो हम बटन हुक पट्टी लगाते हैं उनकी कटिंग उसके हिसाब से करनी पड़ती है। तो जो हमारी ये इस तरह से हम अपने आगे और पीछे के पीस रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा 6.5 इंच का हमारा जो गला था ये हमने उस हिसाब से रखा हुआ है, 6.5 हमने आधा इंच तीरे में और 6 हमारा तैयार बैठेगा। जो ये हमारा इस साइड है ये हमारी बढ़वा पट्टी लगेगी, तो इस साइड हमारा जो ये साड़ी में से बचा हुआ पीस है ये वो लगाना है। तो ये हमें इसके ऊपर इस तरह से बढ़वा पट्टी लगानी है और जो इस साइड की पट्टी लगानी है हमें इस साइड में ये हमें जहाँ पर हमारा गला तैयार है तो यहाँ पर हमारा गला तैयार होगा तो उससे नीचे हमें ये पट्टी लगानी है। तो ये हमारी अंदर की साइड मुड़ेगी और इसके ऊपर हुक लगेंगे और इसके ऊपर हमारे आई बनेंगे। तो इस तरह से हमें इस पट्टी को इसके हिसाब से हम काट लेंगे। तो ये गले का हिसाब देख के हम अपनी पट्टी को इस तरह से कटिंग कर लेंगे और ये हमारी जो पट्टी लगेगी इस तरह से पूरी की पूरी अंदर फोल्ड हो जाएगी। तो ये हमारी हुक की पट्टी होगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।